हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में जहां एक तरफ रीट परीक्षा में धांधली को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर अभ्यर्थी रीट के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के बाड़मेर आवास पर रीट अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को लगाया फोन। हेमाराम के घर के बाहर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग करते हुए कहा कि रीट के पद को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाए और अभ्यर्थियों ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने हेमाराम चौधरी से यह मांग कर डाली कि उनकी इस बात को हाथों हाथ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाए, जिसके बाद हेमाराम चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को फोन किया और अवगत करवाया कि रीट अभ्यर्थी उनके घर पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि रीट अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में इनकी इस मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने बीडी कला से कहा कि रीट के पद बढ़ाने को लेकर जहां भी बात करनी है मैं आपके साथ बात करूंगा। अभ्यर्थियों ने उनकी मांग को लेकर पैरवी करने के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना समाप्त किया। 50,000 किए जाए पद। रीट अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें पिछले लंबे समय से पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 30,000 से पद बढ़ाकर 50,000 किए जाए और जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के साथ यह खिलवाड़ है। सरकार को पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हेमाराम चौधरी ने मामले को लेकर कहा कि रीट अभ्यर्थियों पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ आए थे, इसको लेकर मैंने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भी बात की है। अगले कुछ दिनों में जयपुर जाकर इस मांग को लेकर पैरवी करूंगा। जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पेपर लीक करने वाले कभी जेल से बाहर ना आ सके। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।